वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं नूर महल। आज हम आपको नूर महल का विजिट कराते हैं। मैं और मेरा जो अंदर से भाई है, ये हम इधर आए हुए हैं नूर महल में। हम आपको दिखाते हैं, हम दोनों ट्राईपोर्ट की तरफ उठाओ ना उसको, हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा नूर महल। हॉल बंद है? हॉल तो बंद है, लेकिन बाहर से जो लोकेशन है उसकी वो तो हम दिखा सकते हैं ना दोस्तों को। कोरोना की वजह से दोस्तों, जीशान भाई ने कहा है कि अंदर जो हॉल है वो बंद है, उसकी उनकी बात ठीक है। तो मेन हॉल जो है कोरोना की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है। तो मैंने टिकट वाले भाई को कहा है कि आप 75 रुपीज़ जो टिकट है उसको आप हाफ़ करें, लेकिन वो भाई कहते हैं नहीं भाई। मैंने कहा आपने अंदर से हॉल बंद किया हुआ है तो इसको टिकट को ना आप हाफ़ करें, 75 ना लें, उसके हाफ डिस्काउंट करें हमें। तो ये खुला पड़ा है, अंदर से कुछ सफाई वगैरह कर रहे होंगे लेकिन जाने नहीं दे रहे। तो जी हम जा रहे हैं, देखते हैं दूर से साफ साफ लगते हैं पास। अच्छा ये हम मैं आपको व्यू दिखा दूँ इसका, ये देख, ये है जी नूर महल। नवाबों ने ये महल तामीर कराया था, बहुत ही प्यारा महल है। अच्छा जीशान, इधर रमज़ान शरीफ है तो लोगों ने रोज़ा भी रखा हुआ होगा, ठीक है मोस्टली। तो इधर वैसे ये जो टाइम है ना, असल मज़ा इसी टाइम है देखने का, है ना? कोई भी नहीं है यहाँ। हाँ, वो सुकून भी है और थोड़ा ठंडा माहौल भी है। अगर ईद पे आते तो मज़ा नहीं आया। हाँ, तो मौसम भी कितना खुशगवार है, और वैसे भी अपनी सिटी में बंदा जब भी आ जाए। हाँ सिटी है। अच्छा ये देखें, ये बैक साइड पे नूर महल है, अंदर से इन्होंने मेन हॉल बंद किया हुआ है। हम इधर जो लॉन है सामने उसके फ्रंट पे, बहुत ही प्यारी जगह है वैसे। आज हम गाड़ियाँ देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं भाई, नवाब की जो गाड़ियाँ हैं हम आपको दिखाते हैं। नवाब की वो है, ये वो आर्मी वालों की नहीं, ये रोल्स रॉयस जो है ना नवाब की, नहीं नहीं आर्मी वालों की, रोल्स रॉयस उसकी वहाँ पे खड़ी है लाइब्रेरी चौक। ये आर्मी, अच्छा यानी नवाब की आर्मी की है मतलब? नवाब की आर्मी की। अच्छा नवाब की आर्मी की है। चलो जी, ये जीशान भाई कह रहे हैं कि ये जो नवाब की आर्मी है ना उनकी ये गाड़ी है। आर्मी क्या है, जेल में जो कैद करते हैं। अच्छा जेल में, एक मिनट एक मिनट, अभी हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, बख्तरबंद गाड़ी इसे कहते हैं। ये हज वैन ऑफ नवाब मोहम्मद सादिक, हज वैन है यार ये। ये तो जरा क्या चीज़ है? हाँ, मैन्युफैक्चर्ड इन 1935, यूज्ड बाय नवाब मोहम्मद सादिक ड्यूरिंग हज, प्रेजेंटेड टू NFC बाय हिज ग्रैंड सन साहिबजादा मोहम्मद उस्मान खान अब्बासी। भाई इधर हाँ इंजन भी ठहरा हुआ है, और ये इधर जो हिस्ट्री है जीशान, वैसे तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो गलत है, ठीक है ना? अपनी करेक्शन कर लो। ये देखो लिखे हुए कि ये नवाब मोहम्मद सादिक पंजुम जो थे इसी गाड़ी पे हज पे रवाना होते थे। अब ये जो गाड़ी है ये साहबजादा उस्मान अब्बासी की तरफ से प्रेजेंट की गई है NFC को, ठीक है ना? ऊपर देखो पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, और ये 1935 में ये बनाई गई थी। वैसे देखा जाए तो पहले के जो नवाब थे उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। देखो ये अब इस गाड़ी में कोई आम बंदा नहीं बैठ सकेगा, लेकिन उस वक्त की ये गाड़ी अपने दौर की ना मशहूर और मारूफ गाड़ी है, और इस जैसी कोई शाहजो नज़र किसी एक स्टेट के पास हो तो बड़ी बात है। लेकिन आजकल इसमें इन जैसी गाड़ियों में ना देखो कोई वैसे आम तौर पर, अगर तुम्हें बिठाया जाए बहावलपुर से लाहौर का सफ़र कराया जाए, करोगे? क्यों करूँ मैं, नहीं इन जैसी गाड़ी में नहीं कर सकते। कौन सी गाड़ी में करोगे वैसे बहावलपुर से लाहौर अगर जाना हो? मेहरान जिंदाबाद। मेहरान, अच्छा चलो मेहरान भी सही है, यानी मेहरान से भी ठंडी है क्या? मेहरान में चलो ऐसी तो ऐसी नहीं, ऐसी भी नहीं है। अच्छा ऐसी नहीं, यानी ये है बंद, लेकिन उस वक्त ये अपने दौर की शहनशाही। देखो टायर इसके बड़े, बड़ी VIP गाड़ी उस दौर की। नंबरिंग किस चीज़ की है टायरों पे? टायरों पे इन्होंने नंबरिंग इस वजह से की हुई है, आर्मी वालों ने की है स्पेशली, कि नहीं वो निशान होते हैं ना उनके पास, रिकॉर्ड होते हैं, उन्होंने अपने रिकॉर्ड मेंटेन किए होते हैं। आर्मी वालों की ये खूबी है कि ये ना अपना रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन रखते हैं, अपना हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है, चाहे एक दरख्त ही क्यों ना हो, ठीक है, पौधा क्यों ना, उनकी सारी फुल डिटेल रखते हैं। इस वजह से तो आर्मी हमारी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये क्या है, घोड़े? ये अब इसको एक और गाड़ी आ रही है बाहर, इन्होंने रखी हुई है नवाब बहावलपुर की। जो पहले जो रियासत बहावलपुर थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, तो अमीर थी इसी वजह से ये गाड़ियाँ जो है उस वक्त नवाब के, जो रियासत का नवाब था उनके ज़ेर इस्तेमाल। इधर भी कोई नेम प्लेट लगी होगी हिस्ट्री वाली, देखो किस साइड पे। ये जी ये गाड़ी है, ये भी बंद है वैसे, पहले छकड़ा जिसे कह सकते हैं। अब पीछे देखें, ये देखें इसके फुट यहाँ से ऊपर जाया जाता था, है मेरे ख्याल में ये फीमेल किसी की फैमिली के लिए, ऐसे ना वो है शाही बग्गी ऑफ नवाब मोहम्मद सादिक पंजुम, ये है शाही बग्गी, फैमिली
शाही बग्गी यूज बाय नवाब फैमिली फॉर ट्रैवलिंग प्रेजेंट बाय एमएनसी बाय ग्रैंडसन साहबजादा उस्मान अब्बासी। साहबजादा उस्मान अब्बासी ने ये एनएमसी को ये प्रेजेंट किया है और ये नवाब जो पंजुम था उसने अपनी फैमिली के लिए ये बग्गी रखी हुई थी। माशाल्लाह बहुत ही आला है। वैसे आजकल की इसका डिजाइन बड़ा काफी अच्छा है ना। ये इसके अंदर ये लोहे का ये क्या? ये लोहा नहीं होगा ये। हाँ ये लोहा है, नीचे ये लकड़ है, लकड़ी है सारी, मतलब चलती होगी। हाँ हाँ निकलती है। हाँ हाँ ये बाहर भी निकल आती होगी। पुराने दौर के उस टाइम इतना जल्दी सेटअप नहीं था। अच्छा यहाँ भी देखो इसकी मूवमेंट, देखो यहाँ से मूवमेंट भी हो सकती है। अच्छा हाँ मुड़ना चौड़ना इस तरह कैसे यार? इधर से जो आगे से घोड़े होंगे ना, एक इस साइड पे एक उस साइड पे दो घोड़े, उनको फिर उधर से फोड़ के होता होगा ना। देखो कहीं में मूवमेंट होगी या इसके आगे कोई होगी चीज है ना, इसके साथ अटैच करते होंगे। घोड़ा नहीं होगा, कोई और चीज होगी। नहीं मैं कहता हूँ घोड़े के लिए होगी ये बग्गी। वैसे अक्सर ना घोड़े के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है? अगर कोई इंजन वगैरह होता तो इसके साथ लगा होता। अच्छा ये देखें जी, पीछे एक बहुत ही प्यारा व्यू है नूर महल का। अच्छा आप इधर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्रासी प्लाट है। मैं तो कहता हूँ बहावलपुर वालों के ना मज़े हैं ये। इधर से टिकट भरो और इधर आके एंजॉय करो, घूमो फिरो। वहाँ पे छोटी सी एक झील भी है ऐसे ना निशान। और यहाँ शीश कदा है होटल का नाम, शीश कदा बहुत उम्दा है। और यहाँ आप देख सकते हैं बैक पे फैमिली में आई हुई हैं, फैमिलीज वगैरह। और ये ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। अच्छा निशान इसके बाद जो है ये बता सकते हो ये जो ट्रैक बनाया हुआ किस लिए? कौन सा? ये वाला। ये पहले तो उस साइड पे पोलो खेलते हैं। अच्छा गोल्फ, गोल्फ पोलो ये चीजें खेलते ठीक हैं। इधर ये जॉगिंग के लिए। अच्छा गोल्फ और पोलो में क्या फर्क है, कोई फर्क है? गोल्फ में ये है कि उधर एक हॉकी स्टिक की तरह होती है, लोहे की बड़ी, ठीक है, उससे मारते हैं वो ना होल होता है उसके अंदर बॉल जाए, ठीक है। और पोलो ये होता है घोड़े पे खेलते हैं। अच्छा किसी चीज़ को घोड़े पे, यानी इनमें डिफरेंस ये है। हाँ गुड। और वो हाल भी बहुत, वो हम दिखाएंगे आपको वो जो ग्राउंड है गोल्फ क्लब जिसे कहते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पे 6 सितंबर की जो तकरीब होती है वहाँ पे रखी जाती है। वहाँ पे जो आर्मी के जेरे कंट्रोल गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे दिखाई जाती हैं, लोगों के लिए नुमाइश होती है। वहाँ पे असले की नुमाइश होती है 6 सितंबर को, है ना? 6 सितंबर, हाँ 6 सितंबर को। मैं 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ इधर, और यहाँ पे बहुत अच्छी तकरीब होती है, एक मेला का समा होता है, लेकिन कोरोना की वजह से जो है काफ़ी डिस्टरबेंस पैदा हुई है। अच्छा ये देखें आप नूर महल का बैग पे आए हाय हाय। अच्छा ये क्या है भाई रिशान, ये क्या चीज़ है? इधर कोई चीज़ खड़ी होगी कोई हटा दी गई। ये मेरे ख्याल में शाही चबूतरा तो नहीं है, एक मिनट। इधर बादशाह वगैरह आया, ठीक है ना, ये तो कोई उन्होंने चबूतरा वगैरह जिस तरह हाँ अलाउ होगा। अच्छा जिस तरह वो असेंबली वगैरह में नहीं होती है, स्टेज वगैरह पर नहीं होती, वैसे है ऐसे ना। अच्छा यहाँ से देखें बीबी, या हम आपको वापसी पे मज़ीद इसकी ना होटल के अंदर जाके आपको पूरा होटल दिखाएंगे। तब तक हम जा रहे हैं सीधा नूर महल, आप हमारे साथ रहिए। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से आप। हम जा रहे हैं, हमने काफ़ी टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाई हैं और यहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया है। तो आप ये देख रहे हैं कि इफ्तारी का टाइम करीब होने वाला है, तो मेरे भाई निशान को ना इस वक्त जो है काफ़ी इसको रोज़ा लग रहा है,
मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं आपको शीश कदा रेस्टोरेंट, थोड़े से उसकी दिखाएंगे। और दूसरा ये देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बहुत मेहनत की गई है। और यहाँ पे जो माहौल है, बहुत एटमॉस्फेयर वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है। हर चीज़ को सफाई का, खसूसी तौर पर सफाई का ना ख़ास ख्याल रखा गया है। तो आप लोग ज़रूर नूर महल तशरीफ़ ले आएँ। 75 रुपीज़ जो है इसकी टिकट है। तो यहाँ पे फैमिली के लिए ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एटमॉस्फेयर है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, शीश कदा रेस्टोरेंट। फिर बैक साइड भी ये देखें, आपको उसका साइन बोर्ड लगा हुआ है शीश कदा, आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। तो ये है शीश कदा रेस्टोरेंट। वहाँ पे जो है इफ्तारी का जो सामान है, इफ्तारी का बहुत ही अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा उसकी ना दिखा दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, अंदर से आपको थोड़ा सा इसकी दिखा दूँ। जा रहे हैं शीश कदा रेस्टोरेंट में, यहाँ पे इफ्तारी करने उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम किया हुआ है। बहुत मेहनत की हुई है, यहाँ देखिए बूफे सिस्टम है। ये देखिए, ये इफ्तारी के लिए पहले पानी वगैरह। यहाँ पे इफ्तारी का इंतज़ाम किया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट है ये। बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया। अच्छा, हम इधर फैमिली आई हुई है, देखिए हम जा रहे हैं बाहर। तो जीशान क्या इरादा फिर दोस्तों से अलविदा कहें, उधर जाके ना हम पिन को अलविदा नहीं बोलेंगे, आपको मुझे बोलना पड़ेगा। रोज़ा लग रहा है मुझे, रोज़ा लग रहा है। चलो बोलते हैं एक मिनट, थोड़ी सी दूर से दोस्तों, जिस तरह से इधर असल में कोरोना की वजह से जो है वो जो इनका मेन हाल है नूर महल का वो बंद था। तो इस वजह से हम आदरत खाएँ, हम आपको अंदर इसका मेन हाल नहीं दिखा सके, क्योंकि कोरोना की वजह से जो SOPs हैं तो वहाँ हम अंदर नहीं जा सकते, मेन हाल बंद था। चलो निशान एक मिनट इधर मुड़ो, फिर दोस्तों से अलविदा कहते हैं जी। तो दोस्तों, मैं मुझे शिराजी ट्रैवल एंड वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे और निशान भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।